ड्राइवरों की हड़ताल आगे बढ़ी तो पेट्रोल, सब्जी, दूध और जरूरत की सामग्री को लेकर भटकना पड़ेगा। रोजाना 50 टैंकर पेट्रोल की होती है खपत। और क्या करते हैं? मेरा नाम नौबत सिंह किरार है, सब्जी मंडी व्यापारी हूँ और मुझ पे सब्जी मंडी का दायित्व सचिव। क्या बात है जो मंडी में सब्जी आज महंगी हुई है? ट्रांसपोर्ट के कारण, ट्रांसपोर्ट वाला जो माल आता था वो नहीं आ पा रहा, सड़क वो ड्राइवरों की हड़ताल के कारण, ट्रकों का आवागमन ना होने के कारण जो सब्जी कल 10 रुपए किलो बिकती थी आज वो कम से कम 50 रुपए किलो। उदाहरण के लिए जैसे मिर्ची 20 रुपए किलो थी आज वो 100 से 80 रुपए किलो बिक रही है। टमाटर की किलो 200 रुपए की थी वो 700 से 800 रुपए की रेट तक बेची जा रही है। 10 रुपए किलो वाला आलू 22 रुपए किलो तक बिक रहा है। मटर 2230 रुपए किलो बिकती थी वो आज कम से कम 80 रुपए किलो। ऐसे धनिया का रेट जो बाहर का माल आने वाला है उसमें कम से कम 4 गुना ज्यादा महंगाई आज को देखने को मिली। अगर मान लो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी रहती है तो और बढ़ सकते हैं क्या? और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? वो लोकल का माल इतना कम रहता है उसकी पूर्ति यहाँ मंडी में नहीं हो पाती है। और कहाँ पे है? सब्जी मंडी में हूँ, मेरा नाम मनोज कोरिया। क्या क्या मामला है? सब्जी महंगी बिक रही है, ये गाड़ी ड्राइवरों की जो हड़ताल चल रही है इसके लिए सब्जियाँ महंगी, कोई गाड़ियाँ नहीं आई है। ये मिर्ची अमूमन 30 रुपए किलो बिक रही थी आज 70-80 रुपए की पहुंच रही है। माल नहीं है तो माल महंगा बिकेगा, पूर्ति कहाँ से होगी? और भी चीजें महंगी हुई हैं, सभी चीज महंगी हुई है। धनिया महंगा हुआ है, गाजर महंगी हुई है, सभी पे असर पड़ेगा। और 3 दिन अगर ये हड़ताल रही तो मैं समझता हूँ सब सामानों के रेट आसमान पे पहुंचे। मटर 65 रुपए किलो बिकी आज तो, टमाटर 600 रुपए के रेट बिका था आज और कल 250 रुपए के रेट बिका था, मतलब 350 डबल से भी ज्यादा का अंतर है और आगे और आएगा अगर 2 दिन और रही। मिर्जापुर बाईपास पर ड्राइवर संगठन ने किया चक्का जाम। 200-300 रुपए कमाने वाला ड्राइवर कहां से जमा करेगा इतनी राशि? बाईपास पर सायगढ़ से और आने और भोपाल की ओर से आने वाले वाहनों की लगी लंबी कतारें। बीच रोड पर बैठकर ड्राइवर एकता यूनियन जिंदाबाद के लगाए नारे। चालक परिचालक सेवा समिति जिला अध्यक्ष, आज हम लोग जो है सभी ड्राइवर भाई लोग बाईपास पर एकत्रित होकर हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और रोड पर जो ड्राइवर भाई हमारे लोग आ रहे हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि भाइयों, ये काला जो कानून सरकार ने पास किया है ये फांसी का फंदा है, कानून नहीं ये फांसी का फंदा है। उन ड्राइवर भाइयों को सबको बताया जा रहा है और उनको समझाइश दे रहे हैं हम लोग कि ये जो है एक्सीडेंट होने की स्थिति में सरकार ने नियम निकाला है, वाहन चला के अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसको अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं की है।
मगर ऐसी स्थिति में जब कोई भी वाहन चालक अगर सीट से छोड़ता है उतरता है तो पब्लिक उसको मार डालती है। ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को बचाने के लिए ऑन द स्पॉट से हटना चाहता है और अपने आप की सुरक्षा करना चाहता है, इस उद्देश्य से वो हट जाता है। मगर सरकार का ये कहना है कि उस घायल व्यक्ति को उठाकर तुम स्वयं लेके जाओ, अगर नहीं जाओगे तो 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। जो कि एक ड्राइवर 200-300 रुपए रोज कमाने वाला इंसान है, वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? और 10 साल की अगर सजा उसके अगर हो जाती है तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और इसलिए हम लोग इस काले कानून के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम अपनी आवाज को पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक, ये काला कानून वापस लें। नाम है आपका और ये जो बाईपास पे कर रहे हो क्या? देखिए, मेरा नाम खुशाल सिंह राजपूत है और कल ही इस विषय में हमने आवेदन दे दिया था कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो नया कानून आया है ये ड्राइवरों के लिए बहुत ही हानिकारक या फांसी का फंदा कहें इसको तो अतिशयोक्ति नहीं है। इस काले कानून को विरोध में कल भी हड़ताल पर रहे और आज भी हड़ताल है, तो आज यहाँ बाईपास पर हम आकर स्वेच्छा से ड्राइवरों को लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि भाई आप लोग भी ड्राइवर हो, ये कानून टोटल लोगों पर अलाउ है, यानी मोटर से लेकर मोटरसाइकिल तक के ऊपर ये कानून लागू है। इस कानून के तहत प्रावधान ये है कि अगर कोई जाने अनजाने टक्कर लग जाती है तो उस व्यक्ति को स्पॉट से ले जाने की हॉस्पिटल तक जिम्मेदारी उस ड्राइवर की होगी। अब ऐसे में अगर वो ड्राइवर सीट छोड़ता है तो पब्लिक उसको मार देती है। बाईपास पे आज जो कर रहे हैं वो क्या मतलब साइड में है, ड्राइवर भाइयों को समझा, ड्राइवर भाइयों को समझाइश दे रहे हैं बस कि भाई चक्का जाम के साथ आप लोग भी ड्राइवर हो, आप लोग उतरिए, हम लोगों का सहयोग कीजिए और सभी लोग सहयोग करेंगे तो ये कानून वापस होगा जी।